students, in the last lecture we covered the removal of registered pharmacist. जो name है उसकी कैसे removal होती है, as a जो registered था as a pharmacist उसकी removal के बारे में हमने पढ़ा. ठीक है, उसके बाद हमने ये discuss करना है कि after the removal of name from the register of pharmacist, then he or she or the person can appeal within 30 days of removal. जब उसका जो नेम है उसकी रिमूवल हो गई फ्रॉम द फर्स्ट रजिस्टर से, तो वो क्या करेगा, विद इन द 30 डेज वो अपील कर सकता है विद ऑल द एप्लीकेशन, विद जो भी एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है एंड प्रूफ के साथ, सो दैट द पर्सन कैन रेस्क्यू टू रिमूव द नेम फ्रॉम द रजिस्टर. तो वो अपने आप को बचा सकता है रजिस्टर में से अपना नाम रिमूवल होने से. ठीक है, बट इफ द पर्सन फाउंड गिल्टी, अगर वो गिल्टी माना जाता है, द नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम द रजिस्टर वुड बी रिमूव्ड. तो वो उसका नाम और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रिमूव कर दिया जाएगा. उसके बाद अगर मान लो आफ्टर द रिमूवल ऑफ द नेम फ्रॉम द रजिस्टर, फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है, then the person should submit the registration certificate to the head of registration to the head of registration committee, that is tribunal committee, जो कि registrar है उसको अपना registration certificate देना पड़ेगा. अगर मान लो वो उसने जो appeal की है उस appeal के बाद वो guilty माना जाता है, उसकी कोई भी रीज़न जो हमने अलग अलग रीज़न पढ़े थे, ड्यू टू दैट रीज़न उसका नाम जो रिमूव हो रहा है तो गिल्टी माना जाता है, तो उसका सॉरी उसका नाम क्या होगा, रिमूव हो जाएगा और उसको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी हैंड ओवर करना पड़ेगा टू द जो हेड है ऑफ ट्राइब्यूनल कमेटी का हेड है, उसको रजिस्ट्रार को हैंड ओवर करना. उसके बाद अगर मान लो जो रीस्टोरेशन आपको बताया था कि अगर मान लो कुछ ऐसे रीज़न होते हैं, कई बार गलती से नाम रिमूव हो जाता है, तो वो रीस्टोरेशन प्रोसेस के बारे में बताया था. दोबारा से नाम अगर रजिस्टर पे एंटर करवाना है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रीस्टोरेशन प्रोसेस. और उस रीस्टोरेशन प्रोसेस के लिए क्या करेगा, आफ्टर द रिमूवल ऑफ नेम ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी रीज़न के कारण अगर रिमूव हो जाता है नाम, तो क्या होगा, और उसको किसी भी पर्सन को वो नाम अपना दोबारा से रीस्टोर करना है इन द रजिस्टर एज अ फार्मासिस्ट की तरह. ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस होती हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI की, वो गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करना पड़ेगा विद द प्रूफ्स, जो भी प्रूफ्स है, एविडेंस है कि हाँ मेरे ऊपर ये क्लेम किया गया था इस तरह से, और दैट ऑल आर फॉल्स, ये सही नहीं है, ये गलत है. तो ये सब प्रूफ्स और एविडेंस उसके साथ अटैच करके, ठीक है, जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है एप्लीकेशन फ़ी के साथ, एप्लीकेशन और एप्लीकेशन फ़ी की प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट के साथ, वो क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा. फिर उन डॉक्यूमेंट्स की, जो भी प्रूफ भेजे गए हैं या डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं, उनको वेरीफाई किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा प्रॉपरली कि वेदर दे आर ट्रू और नॉट, दे आर एक्यूरेट और नॉट. ठीक है, उनको वेरीफाई करने के बाद अगर वो सही हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, प्रूफ अकॉर्डिंग टू द जो भी पर्सन उसने भेजे हैं जो बिल्कुल ठीक है, आफ्टर वेरिफिकेशन अगर वो बिल्कुल सही होंगे, वेरीफाई हो जाएंगे, तो उसका नेम दोबारा से रीस्टोर कर दिया जाएगा, एंटर कर दिया जाएगा रजिस्टर में. तो ये हो गई प्रोसेस, रीस्टोरेशन प्रोसेस. और हमने ये पढ़ा कि रिमूवल के बाद रीस्टोर करने के लिए 30 डेज होते हैं, 30 डेज में वो अपील कर सकता है और रेस्क्यू कर सकता है अपना नाम ना रिमूव हो. अगर रिमूव हो जाता है, वो गिल्टी फाउंड किया जाता है, तो उसका नाम रिमूव हो जाता है. अगर फिर भी उसको रीस्टोर करवाना है, तो उसको रीस्टोरेशन के लिए PCI की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए विद द प्रूफ एप्लीकेशन फॉर्म, प्रॉपरली एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा प्रूफ के साथ, यानी एविडेंस के साथ, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसने भेजे हैं, विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस, जो भी फीस है वो अमाउंट, उसकी एग्जाम के बाद उसका नाम रीस्टोर कर दिया जाएगा फर्स्ट रजिस्टर में. उसके बाद जो रीजंस हैं जो कि
कारण जो रिमूवल होता है या फिर फाइन होता है। अब कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं, ठीक है, जिसको फार्मेसी एक्ट के अंडर लिया गया है, ठीक है। जो ऑफेंसेस क्या होता है, ऑफेंसेस मीन ब्रेकडाउन ऑफ लॉ, जो भी लॉ है या रूल है उसको ब्रेकडाउन करना, तोड़ना, ठीक है। उसके कारण फिर कुछ पेनल्टीज लगती है, कुछ पनिशमेंट लगती है। जैसे हम नॉर्मली सोसाइटी में भी रहते हैं कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल हम ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते, अगर वो ब्रेक करते हैं तो हमें कई बार हमारा उसको ब्रेक करने के कारण हमें फाइन भरना पड़ता है, जिसको चलान कहते हो आप, ठीक है। इसी तरह से फार्मेसी लाइन में भी फार्मेसी एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ ऑफेंसेस हैं, जो कि अपने जो भी कोई बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है फार्मेसी एक्ट की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ना फॉलो करते हुए उसको ब्रेक कर रहा है, उसको तोड़ रहा है, इट मीन्स दैट इज कंसिडर्ड एज ऑफेंसिव, उसको ऑफेंस माना जाएगा और उस ऑफेंस के लिए पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। हो सकता है चाहे वो फाइन हो सकता है, फाइन की फॉर्म में हो या फिर उसको इम्प्रिजनमेंट की फॉर्म में हो, तो इन दोनों में से किसी की भी फॉर्म में हो सकती है या फिर दोनों भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि किस तरह का ऑफेंस पर्टिकुलर पर्सन ने किया है रिलेटेड टू दैट फार्मेसी एक्ट। तो अब हम पढ़ेंगे ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज रिलेटेड टू द फार्मेसी एक्ट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉल्सली क्लेम, जो पहला ऑफेंस है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, वो क्या है, फॉल्सली क्लेम टू द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अगर कोई भी पर्सन क्लेम करता है कि मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, पर उसके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, अपने आप को किसी भी, जैसे कोई भी केमिस्ट की शॉप है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा प्रेमिसेस है जो कि फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड है, तो उसके लिए उसको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। फार्मासिस्ट है तो उसका रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर स्टेट में जहाँ पे उसने एजुकेशन की है या फिर जहाँ पे वो अपना बिजनेस या जॉब कैरियर कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो अपने आप को ऐसे क्लेम कर रहा है लेकिन वो है नहीं, तो उस ऑफेंस के लिए उसको भी ऑफेंस में कंसीडर किया जाता है, और उस ऑफेंस के लिए उसको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, उस ऑफेंस के लिए उसको फाइन हो सकता है 500 रुपीज का, और मे बी 6 मंथ्स। अगर वो फर्स्ट टाइम हुआ है, उसने फर्स्ट टाइम ही इस तरह का ऑफेंस किया है, तो उसको फाइन होगा 500 रुपीज तक का। लेकिन अगर वो सेकेंड टाइम इस ऑफेंस को करते हुए पकड़ा गया, तब उसको 6 मंथ की इंप्रिजनमेंट हो सकती है, ठीक है, प्लस 1000 रुपीज का फाइन हो सकता है, ठीक है। ये दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है उसका जो उसने ऑफेंस किया पहली बार किया है या वो सेकेंड टाइम हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखो अब ऑफेंस है कि उसने अपने आप को इस तरह से क्लेम कर दिया, ठीक है, फाल्सली क्लेम कर दी, वो रजिस्टर्ड है नहीं, तो उसको ऑफेंस में कंसीडर किया गया है और ये उसमें पेनल्टीज लगती है, ठीक है। उसके बाद हम अगर मूव करें नेक्स्ट ऑफेंस की तरफ, उसमें क्या हो सकता है, इफ अ पर्सन मे फेल्योर टू सरेंडर द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर कोई भी पर्सन, वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, चाहे वो कहीं भी जॉब कर रहा हो, चाहे वो किसी भी, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे उसका बिजनेस है, बट लेकिन जब कोई भी जैसे इंस्पेक्शन के लिए आया है, मान लो ड्रग इंस्पेक्टर आया है, उसने उससे उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा, तो उसने उस टाइम पर्टिकुलर एट दैट टाइम ही और शी नॉट एबल टू सरेंडर द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और नॉट एबल टू हैंड ओवर द, वो उनको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि एक तरह का प्रूफ होता है कि आप रजिस्टर्ड है, वो नहीं सरेंडर कर पाया। उसने रजिस्ट्रेशन नंबर बता दिया कि वर्बली मुझे याद है, लेकिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पाया, वो नहीं दिखा पाया, तो वो भी एक ऑफेंस में ही कंसिडर किया जाता है। क्योंकि वो जिस प्रीमिसेस में काम कर रहा है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई अगर इंस्पेक्टर आ जाता है, ड्रग इंस्पेक्टर आ जाता है, कोई भी मेंबर जो इंस्पेक्शन के लिए भेजा गया है PCI के थ्रू, वो आता है और उसको अगर वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता पर्टिकुलर उस पर्सन का, जो पर्सन खुद को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बता रहा है, एक तरह से एविडेंस नहीं मिल पाता, प्रूफ नहीं मिल पाता, तो उसको भी एक तरह से ऑफेंस में कंसीडर किया जाता है। क्योंकि वो भी एक तरह का, क्योंकि एक पर्टिकुलर गाइडलाइन है, उसी दायरे में रहकर सबको वो
जो फार्मेसी फील्ड है उसमें काम करना है, तो इस ऑफेंस के लिए क्या पेनल्टी लगेगी? इस ऑफेंस के लिए फाइन लग सकता है अप टू 50 रुपीज, ठीक है, क्योंकि अब वो रजिस्ट्रेशन उसका है और उसका मान लो रजिस्ट्रेशन नंबर भी उसको पता है, सब कुछ पता है, लेकिन एट दैट टाइम उसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है कि वो उस इंस्पेक्टर को अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखा सके, तो उसको एक माइनर ऑफेंस में माना जाता है एक तरह से, जिसमें फाइन पेनल्टी के तौर पे उसको 50 रुपीज का फाइन पे करना पड़ सकता है, सबमिट करना पड़ सकता है। उसके बाद नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑफेंस दैट इज इफ एनी पर्सन यूजली यू कैन सी एनी पर्सन डिस्पेंसिंग इज डन बाय अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी शॉप है, ठीक है, वहाँ पे एक शॉप पे किसी भी पर्सन ने, ठीक है, जो कि एक फार्मासिस्ट है, उसने अपने पास कुछ लो वेजेस पे, ठीक है, लो वेजेस पे कुछ पर्सन रख लिए अपने पास, ठीक है, उसके पास एक्सपीरियंस, उसने देख कर अपना एक्सपीरियंस गेन कर लिया कि हाँ इस तरह से डिस्पेंसिंग करनी है इसकी, क्योंकि वन बाय वन करके पेशेंट आ रहे हैं और डिस्पेंसिंग वही पर्सन कर रहा है, उनके पास काम ज़्यादा है, डिस्पेंसिंग वही पर्सन कर रहा है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके कारण क्या होगा, क्योंकि रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उस वो सिर्फ नॉलेज और स्किल नहीं है उसके पास फार्मेसी फील्ड के रिगार्डिंग, वो सिर्फ एक तरह से गैस बेस्ड पे काम चल रहा है, गैस कर करके कि इतना उसने बेक किया, इस तरह से उसने डिस्पेंस कर दिया, तो इसलिए जो डिस्पेंसिंग हो रही है अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से उस पर्सन से, जो तो ये भी एक ऑफेंस में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही उसी को एक अथॉरिटी दी जाती है कि वो कंपाउंडिंग कर सकता है, डिस्पेंसिंग कर सकता है, प्रिस्क्रिप्शन रीड कर सकता है, लेकिन जो दूसरा पर्सन है वो ये सब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास पर्टिकुलर कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, उसके पास फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है, फार्मेसी फील्ड की कोई भी स्किल नहीं है उसके पास, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ गैस के बेस पे या फिर एक थोड़े से एक्सपीरियंस के बेस पे वो डिस्पेंसिंग कर रहा है। एज आपको पता है कि ये जो हमारा फार्मेसी प्रोफेशन है ये हेल्थ से रिलेटेड है, एक पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड है, तो ये उसकी गाइडलाइन के अंडर नहीं आता, ये उसको एक तरह से ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा अगर कोई भी फार्मासिस्ट, कोई भी पर्सन है जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है, ठीक है, तो उसको ऑफेंस में लिया जाएगा, और उस ऑफेंस में अगर मान लो डिस्पेंसिंग हो रही है उसका अगर एक तरह से लॉ का ब्रेकडाउन किया गया है तो उसको पुनिश किया जाएगा, उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, या तो उसको 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, ठीक है, या फिर उसको 100 रुपीज का फाइन हो सकता है, ठीक है, और या फिर उसको दोनों भी, उसको फाइन भी पे करना पड़ सकता है और 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो देख रहा है कि डिस्पेंसिंग किस तरह से, अगर मान लो कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत बिजी चल रहा है फार्मेसी पे बहुत ज़्यादा, तो उस केमिस्ट शॉप पे एक डिस्पेंसिंग उसने कर दी तो वो कंसीडर तो ऑफेंस ही हो गया, कंसीडर एज अ ऑफेंस, लेकिन उसको 1000 रुपीज का फाइन देके DI ने वार्निंग दे दी कि नेक्स्ट टाइम से नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो नोटिस कर रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है कि वन बाय वन करके पेशेंट आ रहे हैं और उसकी रेगुलर बार बार डिस्पेंसिंग हो रही है थ्रू दैट पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड, जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है, उस पर्सन के थ्रू वो बार बार डिस्पेंसिंग हो रही है, तब मे बी DI को थोड़ा सा हार्श होके दोनों पेनल्टीज दे सकता है कि उसको 1000 रुपीज का फाइन भी पे करना पड़े और 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट भी हो, तो ये भी एक तरह का ऑफेंस है, तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कि उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ऑफेंस इसमें आता है, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑन ड्रग इंस्पेक्टर, ऑब्स्ट्रक्टिंग यानी रोकना,
मान लो किसी भी प्रेमिसेस पे, किसी भी फार्मेसी के प्रेमिसेस पे कोई डीआई आया हुआ है, ड्रग इंस्पेक्टर आया हुआ है। सपोज करो केमिस्ट शॉप पे ही एक ड्रग इंस्पेक्टर आया हुआ है, तो ड्रग इंस्पेक्टर अपना काम कर रहा है, वो इंस्पेक्शन कर रहा है, और उस इंस्पेक्शन के दौरान जो उस प्रेमिसेस का ऑनर है या फिर फार्मासिस्ट है, वो उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि देखो सर हमारे पास देखो इतना फ्रिज की रेफ्रिजरेटर भी है, ठीक है, हमारे पास इस तरह की इंक्यूबेटर भी पड़ा है, हमारे पास ये फैसिलिटी भी है, हमारा जो एरिया है ये बहुत अच्छा है, हमने ये वेटिंग रूम भी बना रखा है। इस तरह से उसका माइंड डाइवर्ट कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, इंस्पेक्शन का काम कर रहा है, उसको वो काम ना करते हुए उसका माइंड उसको काम में डाइवर्ट करना या फिर रोकना। अगर वो किसी एरिया में जा रहा है कि मैं इधर चेक करना चाहता हूँ कि, तो उसको वहाँ ना जाने देना, उसको रोकना, उसके काम को और उसके माइंड को डाइवर्ट करना भी एक तरह का ऑफेंस माना जाता है। क्योंकि अब रोकता तो वही है जो लगता है कि अगर मान लो ये डीआई ने देख लिया तो मे बी ये डीआई हमारे ऊपर कोई चार्ज फाइन चार्ज कर देगा या फिर इसके रिगार्डिंग हमें कुछ बोलेगा, तो तभी कोई पर्सन है उसको रोकता है। तो ड्रग इंस्पेक्टर की जो ड्यूटी है उसका काम है इंस्पेक्शन करना, और ये ड्रग इंस्पेक्टर पीसीआई के थ्रू जो भी मेंबर हैं उन्होंने उसको भेजा है। तो अगर उसके वर्किंग में आप हिंड्रेंस करोगे, ऑब्स्ट्रक्ट करोगे, उसको रोकोगे, तो इट मीन्स दैट इज कंसिडर्ड एज ऑफेंस, उसको भी ऑफेंस माना जाता है, क्योंकि वो एक तरह से ब्रेक डाउन कर रहा है एक रूल की। तो इसके लिए भी, इस ऑफेंस के लिए भी जो पेनल्टी है वो नियर अबाउट सेम है जैसे कि डिस्पेंसिंग बाय अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट थी। इसमें या तो डीआई उसको ₹1000 की पेनल्टी कर सकता है, या फिर 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, या फिर वो दोनों भी दे सकता है कि इसको ₹1000 का फाइन भी हो और 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट भी हो। ठीक है, ये है कुछ ऑफेंसेस जो कि रिलेटेड है टू द फार्मेसी एक्ट से, फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड है, वो ऑफेंसेस आ जाते हैं। और उन ऑफेंसेस मींस ब्रेक डाउन करना उस लॉ को, ठीक है, और जो कुछ पेनल्टीज हैं यानी कुछ फाइन हो जाते हैं या फिर कुछ इम्प्रिजनमेंट है, वो उसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा है। तो आपका वैसे ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इस चैप्टर में हमने जो फार्मेसी एक्ट में हमने स्टार्टिंग से एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या स्टडी किया। सबसे पहले हमने फार्मेसी एक्ट के रिगार्डिंग पढ़ा, उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दैट हमने पढ़ा उसमें कौन कौन से फार्मेसी एक्ट में कौन से मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, जिसमें हमने उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी जॉइंट फार्मेसी काउंसिल और स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रिगार्डिंग। उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था कि किस तरह से उनकी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, कौन से नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी की थी। आफ्टर दैट उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था कि अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना है एज अ फार्मासिस्ट, तो फर्स्ट रजिस्टर में कैसे एंट्री की जाती है, ठीक है, सब्सिक्वेंट रजिस्टर में कैसे एंट्री की जाती है और कौन इसकी एंट्री करता है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग हमने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हमने इसी में रिमूवल ऑफ नेम, अगर मान लो एज ए फार्मासिस्ट आपका नाम है, ठीक है, उसको हमने एंट्री के बाद अगर बहुत सारे रीजंस थे वो रीजन पढ़े भी, उन रीजंस के कारण आपका नाम रजिस्टर में अगर एंटर हुआ है तो उससे कट भी हो सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है, उसके रीजन पढ़े। अब रिमूव के बाद हमने फिर पढ़ा कि अगर मान लो आपका नाम रिमूवल हो गया रजिस्टर से और यू आर इनोसेंट, आपका नाम रिमूव नहीं होना चाहिए था, जो रीजन था वो सही नहीं था, तो आप उसको रिस्टोर भी करवा सकते हैं। तो हमने रिस्टोरेशन की प्रोसेस पढ़ी थी, कैसे हम उसको रिस्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। पहले हमने प्रोसीजर पढ़ा था कि रजिस्टर कैसे करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर नाम रिमूव हो गया तो आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आपने जो हेड है ट्रिब्यूनल कमेटी का उसको हैंड ओवर कर दोगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार नहीं आपका रजिस्ट्रेशन गलत वे से कैंसिल किया गया है, गलत वे से रिमूव किया गया है, तो आप अपने प्रूफ के साथ,
सर्टिफिकेट्स के साथ, एप्लीकेशन फीस के साथ और सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवा के विद इन 30 डेज के अंदर अपील कर सकते हो कि मेरा नाम दोबारा से एंटर किया जाए, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं, वो हमने पढ़ा। उसके बाद इसी फार्मेसी एक्ट में ही कुछ ऑफेंसेस के बारे में पढ़ा हमने, स्टडी की कि कौन कौन से ऐसे जो एक्टिविटी होती है दैट एक्टिविटी कंसिडर्ड एज ऑफेंस, जो कि फार्मेसी एक्ट के अकॉर्डिंग एक ऑफेंस की तरह कंसिडर की जाती है, और उस ऑफेंस के कारण आपको पेनल्टीज भी पे करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो वो ऑफेंस के बारे में हमने डिटेल में स्टडी की। आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट फार्मेसी एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन कवर होता है। एक तो मेंबर्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी पता होना चाहिए कि कैसे रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, और ऑफेंसेस और पेनल्टीज पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव, अगर हम देते हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना। This is all about